हे गाइस, तो आज हमारे पास है यामाहा की एक पावरफुल मशीन यामाहा R15 वर्जन 4। तो आज हम लोग इसी बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बाइक का आपको प्राइस क्या है, इसमें आपको माइलेज कितना अच्छा देखने को मिल जाता है और इस बाइक का जो भी इंजन है वो आपको कितना अच्छा परफॉर्म करती है। चाहे इस बाइक का टायर हो, चाहे इस बाइक का सस्पेंशन हो, हर एक कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके यामाहा की किसी भी बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं और हम लोग इस बाइक का वॉक अराउंड को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर हम लोग इस बाइक के प्राइस के साथ शुरुआत किया जाए तो इस बाइक का आपको वन रोड प्राइस 2,16,000 रुपया रखा गया है। इसमें आपको टोटल 3 कलर देखने को मिलेंगे। ये जो आप सबसे पहला कलर देख सकते हैं जो कि रेड कलर, ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कलर है। इसमें जो दूसरा कलर मिलता है जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, आपको टोटली ब्लैक कलर में रखा गया है। और इसमें आपको एक तीसरा कलर भी मिलेगा जो कि आपको रेसिंग ब्लू कलर मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ से रेसिंग ब्लू कलर देख सकते हैं। तो अगर इस बाइक के फ्रंट से शुरुआत किया जाए तो इस बाइक का फ्रंट लुक देख पाएंगे, जो कि फ्रंट आपको टोटली एग्रेसिव रखा गया है और फ्रंट लुक आपको बेहद ही खूबसूरत देखने में लग रहा होगा। फ्रंट में आपको फुल्ली LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। दो पीस आपको LED DRLs देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे, आपको टोटली न्यू डिज़ाइन में मिलेगा, वर्जन 3 से अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया गया है जो कि आपको रात में अच्छा लाइट मिलेगा, आप इसे रात को आराम से चला सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R15 का आपको स्टिकर मिल जाएगा और बीच में आपको ब्लैक कलर का स्टिकर दिया गया है। इस जगह पे आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। दोनों साइड आपको मिरर मिल जाएगा जो कि आपको रेसिंग डिज़ाइन में दिया गया है। फ्रंट विंडशील्ड से देख सकते हैं जो कि आपको ट्रांसपेरेंट में ही दिया गया है। इसके नीचे की ओर देखें तो नीचे में आपको USD फोक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको गोल्डन कलर में मिलता है, जिस वजह से इस बाइक का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे आपको ABS का आपको स्टिकर मिल जाएगा। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फ्रंट डिस्क आपको 282mm का दिया गया है। फ्रंट टायर आपको 100x80 सेक्शन का मिलता है। अगर इस बाइक के साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो इस बाइक आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं जो कि आपको टोटली फेयरिंग बाइक है और काफ़ी ज़्यादा बल्की देखने में लग रहा होगा। यहाँ पे आप देखें तो R15 और वर्जन 4 का आपको स्टिकर, ये आपको टोटली फाइबर पार्ट्स में ही मिलेंगे और इसका क्वालिटी देख सकते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इंडिकेटर्स आपको अभी भी इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के टैंक की ओर देखें तो इसका आप टैंक देख सकते हैं जो कि आपको इसमें 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको यामाहा का लोगो मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट्स का फीचर मिलेगा जिसके बारे में हम लोग इस बाइक के मीटर कंसोल में बात करने वाले हैं। ये आपका पेट्रोल नॉब्स दिया गया है। इसके सीट की ओर देखें तो आप इसका सीट देख सकते हैं, आपको स्प्लिट में सीट मिल जाता है। राइडर के लिए तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है बट पिलियन का आपको स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है जिससे इसको बैठने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे आपको बेल्ट टाइप का भी दिया गया है जहाँ पे आप कुछ भी दबा सकते हैं, इस जगह से इसे आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं VVA टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएगा। इसके रियर सेक्शन की ओर देखें तो ये आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट, मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड को भी सुना दूंगा। इसके रियर टायर की ओर देखा जाए तो इस बाइक का आपको रियर टायर 140 सेक्शन का मिलता है, रेडियल टायर मिलते हैं, MRF कंपनी की तरफ से ही आता है। और इसका मडगार्ड देख सकते हैं जो कि आपको छोटे से मडगार्ड मिलेंगे और रियर में आपको LED टेल लाइट्स दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही, यहाँ भी आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाएंगे, इस जगह पर आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और रियर में आपको मोनोक्रॉस टाइप का सस्पेंशन दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कार मिल जाता है बट इसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट, ये आपका राइडर का फुटरेस्ट। इस बाइक में आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाएगा और इस बाइक में आपको मिडिल स्टैंड नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको साइड स्टैंड ही दिया गया है और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर भी मिल जाएगा। और इस साइड से भी आप इस बाइक का ग्राफिक्स देख सकते हैं जो कि आपको सेम उस साइड के जैसा देखने को मिल जाएगा। और अगर इस बाइक के इंजन के बारे में बात किया जाए तो इस बाइक का इंजन आपको 155 सीसी का देखने को मिलेगा। लिक्विड कूल्ड के साथ इस बाइक का इंजन आ जाता है जो कि आपको टोटली कवर्ड इंजन रखा गया है। इस बाइक का इंजन आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOSC FI BS6 इंजन रखा गया है जो कि आपको 18.4 BHP का पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इस बाइक के माइलेज की ओर देखा जाए तो माइलेज अप्रॉक्स इस बाइक में आपको 45 से 50 km/L का माइलेज आराम से देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड इस बाइक का लगभग 130-140 km/h का इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा। इस बाइक के मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो वहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। फुली डिजिटल में इस बाइक का मीटर कंसोल मिलता है। इसे एक बार मैं ऑफ करके फिर से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका ऑफ, यहाँ से फिर से ऑन करेंगे तो आपको R15 155 का आपको वेलकमिंग देखने को मिलेगा।
इसके नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाने वाला है। इसमें आपको दो राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्ट्रीट मोड और आपको ट्रैक मोड मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो कि आपको टैकोमीटर दिया गया, आपको 11,000 RPM पे ये आपका रेड लाइनिंग करता है। ऊपर में आपको डिजिटल में टाइम का दिया गया ऑप्शन। इधर देखिए आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, ये आपका ओडोमीटर दिया गया है, ये आपका ट्रिप मीटर दिया गया है जिसे कि आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। ये जो स्विच दिया गया नीचे में जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं उसे आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको दिखाएगा। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी दिया गया जो कि आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑन है। और यहाँ पे आप देखें तो बैटरी इंडिकेशन दिखाने वाला है जिसमें आपको कूलेंट का क्या टेम्परेचर वो भी आपको साथ ही साथ दिखा देगा। ये आपका ट्रैक मोड हो गया और ये आपका स्ट्रीट मोड हो गया। और इसको इधर से चेंज करेंगे तो आपको ट्रिप वन और ट्रिप टू और ओडोमीटर आ जाएगा। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा जो कि इसका आप एक एडवांस फीचर्स बोल सकते हैं। ऊपर की ओर देखें तो आपको यहाँ पे एक लाइट दिखेगा जो कि आपको ब्लिंक करेगा। ये आपका VBA टेक्नोलॉजी का आपको लाइट दिया गया है। इधर देखें तो आपको ABS वार्निंग लाइट्स दिया गया है। इधर लेफ्ट टर्न राइट टर्न्स के इंडिकेशंस, ये आपको लो बीम, आपका हाई बीम का इंडिकेशन, ये आपका न्यूट्रल का इंडिकेशंस। और इधर नीचे की ओर देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज का इंडिकेशन दिया गया, यहाँ पे आपको कॉल का इंडिकेशन दिया गया और ये आपका कूलेंट का इंडिकेशन दिया गया है। जब इस बाइक के मीटर कंसोल को आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे उस वक्त जब भी आपके फ़ोन में कोई मैसेज आएगा वो आपको यहाँ पर भी अलर्ट करने वाला है। इसका आप हैंडल बार देख पाएंगे जो कि एक तरफ से क्लिप ऑन हैंडल बार बोल सकते हैं। स्विचेस की ओर देखें तो आप देख सकते हैं इसका स्विचेस येलो बीम या आपका हाई बीम, और यहीं से आपको पासिंग का स्विच दिया गया है। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न्स का स्विच बहुत ही ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस करता है क्योंकि इस बाइक में आपको डुअल हॉर्न्स दिया गया है। यहाँ से देखें तो यहाँ से आप इंजन को ऑफ कर सकते हैं और इंजन को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और साथ साथ आप यहीं से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका हज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया जो कि इस बाइक में भी आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाएगा। और नीचे की ओर जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको ट्रिप और इन्फो का दिया गया है स्विचेज, जिससे कि आप अपने मीटर कंसोल को यहाँ से आप इसे टॉगल कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। उसके बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बाइक का इंजन से आपको कितना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है और आपको कैसा लगा सुनने में। वन टच में इजीली स्टार्ट हो जाता है और इस साइड से आप इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुन पाएंगे। बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है और इंजन में आपको रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। और यामाहा का इंजन हमेशा से रिफाइंड रहा है, उसमें आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो ब्लू कलर आता है उसी में आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा जो कि एक आपका कन्फ्यूजन पॉइंट हो जाता है, उसे आप यहीं पर क्लियर कर लें। तो मैंने गाइस इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी डिटेल था वो आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मैं हर एक आंसर देने वाला हूं। और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी मैं छोटे छोटे रील्स शेयर करता रहता हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।